हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारे सामने है टाटा टियागो ईवी। यस, ये इसका वाइट कलर है। इसमें हम कंप्लीट रिव्यू करेंगे, क्या हमको इसमें फीचर्स मिलने वाले हैं, क्या इसकी प्राइस डिटेल रहने वाली है। आई रियली अप्रिशिएट टाटा मोटर्स जिन्होंने ये इनिशिएट लिया है कि हर कैटेगरी की, हर सेगमेंट की कार को इलेक्ट्रिक में लॉन्च किया जाएगा। टाटा नेक्सॉन एंड टिगोर ऑलरेडी ईवी में लॉन्च हो चुकी है, टियागो रहती थी तो ये भी अब लॉन्च कर दी गई है। जैसे कि हम सभी को पता है, टाटा टियागो अपने सेगमेंट की वन ऑफ द सेफेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर कार है, तो ईवी भी अच्छा ही परफॉर्म करने वाली है। अब हम करते हैं इसका कंप्लीट रिव्यू स्टार्ट। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इसमें मिलने वाले हैं। फ्रंट में पियानो ब्लैक कलर की ग्रिल दी गई है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। साथ में ईवी की बैजिंग आप इसमें देख सकते हैं, डे टाइम रनिंग हेडलैम्प्स विद फॉग लैम्प। और लोअर बम्पर पर जो ये ग्रिल है, ये भी पियानो ब्लैक कलर में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव इसको बनाती है फ्रंट प्रोफाइल से। एंड वन मोर थिंग, इसमें सेफ्टी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, सेफ्टी आपको भरपूर इसमें मिलने वाली है। इसकी मोटर एंड रेंज की डिटेल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम चेकआउट करते हैं इसके साइड प्रोफाइल से और देखते हैं कि वहाँ पर हमको क्या कुछ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो इसमें जो ये व्हील आर्स दिए गए हैं वो पियानो ब्लैक कलर में काफ़ी ज़्यादा इसको अट्रैक्टिव बनाते हैं साइड प्रोफाइल से। इसमें अलॉय व्हील काफ़ी अच्छे दिए गए हैं ब्लैक कलर के। एंड जो इसकी टायर प्रोफाइल है 185/60 R15 की इसमें मिलती है, अपोलो के इसमें टायर मिलते हैं। साइड प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव इसकी बनाई गई है। ईवी की आप यहाँ पर बैजिंग देख सकते हैं। ORVM पे ही आपको टर्न इंडिकेटर मिलते हैं और पियानो ब्लैक कलर का यूज़ किया गया ORVM पे। ड्राइवर साइड डोर पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी ऑफर किया गया है, साथ में की इंसर्ट करने के लिए भी ऑप्शन इसमें मिलता है। अगर मैं इसकी ओवरऑल डायमेंशन की बात करूं तो इसकी जो लेंथ है वो 3769 mm की दी गई है, विड्थ इसकी 1677 mm की दी गई है और जो इसकी हाइट है वो 1536 mm की दी गई है। गाड़ी ओपन नहीं है तो मैं इसको फिर भी ट्राई करूंगा इसके इंटीरियर के आपको दिखाने के लिए। इस गाड़ी में आपको लेदरेट अपोल्स्ट्री मिलती है, जो इसका कलर रखा गया है वो इसको काफ़ी प्रीमियम बनाता है अंदर से। इनसाइड डोर ओपनर इसमें क्रोम में दिया गया है। फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील लेदर रैप में मिलता है, जिसपे आपको ऑडियो के कंट्रोल्स, वॉइस कंट्रोल एंड क्रूज कंट्रोल इसमें ऑफर किए गए हैं। साथ में जो स्पीडोमीटर है वो फुली डिजिटली इसमें ऑफर किया गया है। अगर मैं रियर सीट की बात करूँ तो इसमें सेंटर आर्मरेस्ट ऑफर नहीं की है, 2 फिक्स्ड हेडरेस्ट इसमें मिलते हैं। जो इसकी कुशनिंग है सीट्स की वो बेस्ट इन सेगमेंट गाइज इसमें दी गई है। बट एक चीज़ मुझे इसमें मिसिंग लगी, इसमें रेयर इस इवेंट ऑफर नहीं किया गया जो कि कंपनी को देना चाहिए था। अब हम बात करते हैं इसके रेयर प्रोफाइल में। रेयर प्रोफाइल भी इसका काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिया गया है, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। बट इसमें जो मुझे मेजर चीज़ दिख रही है वो है इसका रिक्वेस्ट सेंसर, साथ में इसमें टियागो ईवी की इसमें बैजिंग दी गई है। रेयर कैमरा भी इसमें इंस्टॉल किया गया है जो कि काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है। लोअर बम्पर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें पियानो ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है जो कि और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव इसको बनाता है रेयर प्रोफाइल से। साथ में हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रेयर वॉशर, डिफॉगर एंड वाइपर इसमें दिया गया है। एंड जो इसकी रूफ है ब्लैक कलर की दी गई है जो कि और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव इसको बनाती है। एंड इसमें जो चार्जिंग पॉइंट है वो फ्यूल लीड वाली जगह पर दिया गया है, यहाँ पर आप इसको चार्ज कर सकते हैं। अगर अब मैं इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो इसमें ड्यूल फ्रंट एयर बैग, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रिवर्स कैमरा जैसे इसमें सेफ्टी फीचर ऑफर किए जाएंगे। गाइज, इसमें अगर मैं अदर कन्वीनियंट फीचर की बात करूँ तो कोल्ड ग्लोव बॉक्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट एंड इलेक्ट्रिक ORVM, ऑटो फॉल्ट, क्रूज कंट्रोल और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे इसमें फीचर ऑफर किए जाएंगे। चार्जिंग टाइम की आप सभी डिटेल स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस कार में आपको स्पोर्ट्स मोड भी देखने को मिलेगा, जिससे कि 0.60 km/h जाने में 5.7 सेकेंड का टाइम ये लेगी। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इसमें कोई भी आपको गियर नॉब देखने को नहीं मिलेगा। एंड इसमें फुली ऑटोमेटिक ड्राइव आपको देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी इजी बना देती है ड्राइव को। साथ में इसमें हरमन का म्यूजिक सिस्टम मिलेगा जो कि 4 स्पीकर्स एंड 4 ट्वीटर्स के साथ आएगा, जो कि एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले को सपोर्ट करेगा। अगर मैं इसके कलर ऑप्शन की बात करूँ तो इसमें टोटल 5 कलर्स इसमें मिलते हैं, सिग्नेचर टील ब्लू, डेटोना ग्रे, ट्रॉपिकल मिस्ट, प्रिस्टीन वाइट, मिडनाइट प्लम। एंड जो इसका XE वेरिएंट है वो ओनली प्रिस्टीन वाइट कलर में अवेलेबल होगा। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट रिव्यू टाटा टियागो ईवी का। एंड फर्दर भी मैं टियागो ईवी से रिलेटेड और भी वीडियो इस चैनल पे लाता रहूँगा, तो जो चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशंस है वीडियो की वो आपको टाइमली मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू कार, न्यू अपडेट। टिल देन, गुड बाय।